फिलहाल प्रदेश के कई बेरोजगार युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में डिगबोई शहर के दो युवाओं ने बाहरी राज्य से संकेत लेकर विभिन्न तरह की चाय का स्वाद पेश करने हेतु चाय बार नामक एक दुकान का शुभ उद्घाटन किया। शब्द प्रकाश जायसवाल और अर्पिता गुप्ता नाम के दो युवाओं द्वारा शुरू की गई असाधारण चाय बार दुकान का आधिकारिक तौर पर शुभ उद्घाटन सदौ असम भोजपुरी परिषद के अध्यक्ष कैलाश गुप्ता ने किया। उद्घाटन समारोह में डिगबोई के सामाजिक कार्यकर्ता तिलक गुप्ता, श्यामलाल सल्होत्रा सहित और भी कई गणमान्य लोग उपस्थित रहकर सरकारी नौकरी के पीछे ना दौड़कर आत्मनिर्भर योजनाओं के माध्यम से इस तरह का प्रशंसनीय कदम उठाने के लिए दोनों बेरोजगार युवाओं की खूब सराहना की। आजिकल दिन गवर्नमेंट चाकर इन इजी नए जिमान आमार जनसंख्या आसे तार अनुपात चाकर उलवा ना सरकार सबक शिक्षा लिखनी प्रेरणा लिखनी सब आग बढ़ लगे और एने निजे निजे कन्सेप्ट उलिये निजे स्वावलम्बी हम लगे। आज वोमेन एम्पावरमेंटर कथा क्या है आज ठीक तैनक सबे निजर निजर काम करी निजे निजे आग बढ़ लगे जाते सरकार बाट बाट नेचाय कि निजे आम काम पारूँ और निजे आग बढ़ी निजे प्रत्येक मार्केट सबे आग बढ़ लगे और जीवन निबन समस्या आसे सभी निजे निजे समाधान लगे क्योंकि गोटे इंडियार जी अवस्था हो जी भारतवर्ष जी अवस्था हो अवस्था ये सीचुएशन आम सरकार आशा और सरकार बाट चाई बहि थकतक बेहद काम करतकवा भल कम आग बढ़ी जो विचार। डिगबोई से मनोरंजन दास की रिपोर्ट असम आदित्य।